कि मेरी बेटी निशा तो यहाँ अकेली घबराएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप, निशा अकेली थोड़ी, मैं तो हर रोज आके मिला करूंगी उससे। आप लोगों की तो कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी उसे मैं, आप परेशान मत हो। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन नजर दे, अपने बच्चों की खुशियां देखें आप। आमीन आमीन। वो निशा नेहा की वजह से बहुत डिस्टर्ब थी। नहीं नहीं मैंने नेहा से बात करके निशा का मैसेज दे दिया, वो उसे फोन करेगी। वो जहाँ गए हुए ना, आप नॉर्थ गए हुए ना, वहाँ पे सिग्नल बड़े खराब है। अच्छा, ये मेरी तरफ से निशा के लिए छोटा सा तोहफा है। तो इसका मतलब है आपको बारात में शामिल नहीं हो रही? नहीं, वैसे तो असूलन तौर मैं जब रिश्ता तय करती हूँ तो मैं किसी की शादी पे नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे निशा की बात थी तो मैं जरूर आती, लेकिन आपको पता ना एक छोटा सा मसला हो गया है। जी जी आपने बताया था। जैसे ना पार्लर में जो बच्चियाँ काम करती हैं ना, वो गरीब घरानों से होती हैं, तो उस बच्ची के घर में फौतगी हुई है ना, तो दुख सुख में उनका साथ देती हूँ, वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत दिल है आपका। अच्छा ये आपकी फीस अमानत है आपकी? अरे ये क्या कर रही हैं आप, मैंने तो निशा को अपनी बेटी बनाया हुआ, ये क्या कर रही हैं? जानती हूँ बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये मेरी और आली की खुशी भी है, तो प्लीज इनकार मत कीजिएगा। चलें अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन जरा अजीब सा लग रहा है मुझे। सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। अम्मी ने बताया होगा निशा को अभी पार्लर ही छोड़ के आया हूँ। हाँ हाँ बताया, दरअसल मैं निशा को अपने हाथों से तैयार करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा एक मसला आ गया है। जी जी वो अम्मी कह रही थी किसी की डेथ हो गई थी। अच्छा बेटा, मैंने अम्मी को सब समझा दिया और तुम्हें भी समझा रही हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं, निशा यहाँ पे अकेली नहीं होगी, मैं उस पर नजर रखूंगी, और साद और उसकी वालदा जो है ना बहुत अच्छे लोग हैं। बस आंटी अल्लाह के बाद आपके भरोसे पे छोड़ के उसे जा रहे हैं यहाँ पे। अरे नहीं उसे कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। कैरी ऑन, ओके लाफिस। बस मेरे तो दिल से हर वक्त निशा के लिए दुआएं निकलती हैं, अल्लाह ताला मेरी बेटी को खुश और आबाद रखे, आमीन। लेकिन अगर उसके बारे में एक भी बुरी खबर मुझ तक पहुंची ना, तो मेरा दिल वहीं बंद हो जाएगा। अलमा साहब शायद जानती नहीं मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और अपने दिल का टुकड़ा आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा ये तो सुन के बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अच्छा मैं जरा चाय का बोल के आती हूँ। अच्छा चलें।